हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ समसेर पीजीटी मैथ्स. 11th क्लास में बेटा कल हम एक्सरसाइज 1.3 के 12th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर चुके थे. आपको नोट्स भी भेजे गए, वीडियो भी भेजा गया. तो बेटा पहले आप बुक से क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, एंड आफ्टर दैट नोट्स की हेल्प लेकर के फिर नोटबुक में अपना काम साफ और सुंदर करें. फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के जरिए या नंबर पे कॉल करके बेटा आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. लेकिन बेटा डे बाय डे जो काम होता है उसको डे बाय डे करते ही जाएं, किसी भी हालात में काम पेंडिंग ना रहे. क्लियर है? अब बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 में 12th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं. 12th इस क्वेश्चन में क्या है कि वेन डायग्राम से इन्हें ड्रा करना है. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. ध्यान से देखें बेटा, जहां कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट जरूर दिया मिलेगा. सपोज कीजिए बेटा ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है ए, ये बेटा कोई दूसरा सेट है बी. क्लियर हो गया? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को हम वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, वर्टिकल शेडेड पोर्शन. ए कॉम्प्लीमेंट को बेटा हमने वर्टिकल पोर्शन लाइन से शेड कर दिया. क्लियर है? ए के अंदर एंट्री नहीं हो, यानी कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स. ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही तो होता है. क्लियर है? इसके बाद चलते हैं बेटा हम बी कॉम्प्लीमेंट में. बी कॉम्प्लीमेंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से सेट कर देते हैं, बी के एलिमेंट्स को छोड़कर. क्लियर बेटा? बी के एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स हो सारे के सारे ले लिए जाए, तो ये आपके पास है बी कॉम्प्लीमेंट. हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन, ये बेटा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट. अब आपसे पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यानी कि वर्टिकल है तो और हॉरिजॉन्टल है तो दोनों के दोनों पोर्शन लिए जाएंगे, यानी कि आप केवल कह सकते हैं शेडेड पोर्शन. वो शेडेड पोर्शन चाहे डबल है चाहे सिंगल है, डबल और सिंगल, चाहे सिंगल शेडेड है चाहे डबल शेडेड है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि यूनियन का मतलब चाहे एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे, चाहे बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे, चाहे दोनों से बिलोंग करे, ये था. और बेटा अगर इंटरसेक्शन पूछा जाता तो डबल शेडेड पोर्शन ही आता, सिंगल नहीं आता उसके अंदर, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन. ठीक है? ये था बेटा इसका फोर्थ पार्ट. इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में. क्वेश्चन नंबर 13 में भी बेटा आपने वेन डायग्राम से ही ये प्रूव करना है अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा ए के, ये आपने प्रूव करना है. और ये दिया हुआ है वेन डायग्राम के जरिए प्रूव करना है. ध्यान दीजिए, ये आपके पास है सेट ए और ये है सेट बी. अब ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है या नहीं है बताओ? तो ए है ना सेट, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन से. क्लियर हो गया? और बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वर्टिकल से. बेटा बी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? वर्टिकल शेडेड पोर्शन. क्लियर हो गया? अब आप ये बताओ जो वर्टिकल है ओरिजेंट में से गया या नहीं गया? तो अब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूंगा. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? डबल शेडेड पोर्शन.
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, और डबल शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए ही है। तो बेटा यही आपने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के। क्लियर हो गया? और ये दिया था कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में ना हो। तो देखिए आप, ए का तो एलिमेंट बी में है लेकिन बी के अंदर ये एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये ए से बिलोंग नहीं करते। तो ए का तो एलिमेंट बी से बिलोंग करता है लेकिन बी का हर एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता, ऐसा ही हमने लिया डायग्राम में और ये रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया होगा शायद बेटा, केवल वेन डायग्राम से प्रूव करना था। ये था 13th क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी की यूनियन बी के बराबर होगी, ऐसा आप प्रूव कीजिए। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ए का तो एलिमेंट बी में हो लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में ना हो। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ये बेटा ए है। इस डायग्राम को वेन डायग्राम क्यों बोला जाता है आपको बताया था, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसके नाम पे इसको वेन डायग्राम के नाम से बोला जाता है। इसके बाद बेटा ये सेट हो गया बी। अब आप देख सकते हैं ए का तो एलिमेंट बी में है लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। अब बेटा ए को मैं सेड कर देता हूं ओरिजेंटल लाइन से, ए को बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओरिजेंटल सेडेड पोर्शन से, बी को बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया वर्टिकल सेडेड पोर्शन से। देखिए ये बी सेट है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसने आपसे पूछा ए यूनियन बी। बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो एलिमेंट ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे या दोनों से बिलोंग करे। इसका मतलब सेडिड पोर्शन कह दीजिए आप, केवल सेडिड पोर्शन। सेडिड का मतलब बेटा आइदर सिंगल और डबल दोनों ही आ लिए। क्लियर हो गया? और बेटा जो सेडेड पोर्शन है पूरा का पूरा वो सेट बी तो है, ऐसा ही आपने यहाँ पे प्रूव करना था। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके थर्ड पार्ट में। देखिए बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये दिया गया कि ए और बी कि जो यूनियन करते हैं वो बी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है बेटा, देखिए ए और बी ये ए सेट है, ये बी सेट है, यानी कि एलिमेंट ए से बिलोंग करे तो और बी से करे तो और दोनों से करे तो बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए का भी हर एलिमेंट बी में होगा। दिस इंप्लाइज दैट ईच एलिमेंट, ये चीज गिवन है बेटा आपने से, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। एक आधार एलिमेंट बी में है, ए को मान लीजिए हमने ओरिजेंटल लाइन से सेड कर दिया, बी को मान लीजिए हमने वर्टिकल लाइन से सेड कर दिया। क्लियर है? तो बेटा ए का तो एलिमेंट बी में है लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। इट मीन्स ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ऐसा ही आपने प्रूव करना था केवल वेन डायग्राम के जरिए। आपको बेटा थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब ए का तो एलिमेंट बी में हो बट बी का हर एलिमेंट ए में ना हो, हर एलिमेंट ना हो, वो तो होंगे जो ए वाले थे इस तरीके से। क्लियर बेटा? तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 बेटा कंप्लीट होती है। इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज 1.4 में चलते हैं। अब एक्सरसाइज जो 1.4 आती है बेटा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रूव करने के हैं। मैं हर क्वेश्चन को थ्योरेटिकली प्रूव करता हूँ, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा, ठीक है? अब इसने एक्सरसाइज 1.4, ठीक है,
और इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट। अब बेटा क्या बोलते हैं सुनिए, फाइंड दी सेट ऑप्टेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। बेटा बुक आपके पास होगी, नहीं है तो बेटा परचेज कर लीजिए तुरंत। बेटा सेट ऑपरेशंस दे रखे हैं, यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो बेटा ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है और ए इसका सबसेट है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, अब क्या बोलता है, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ है, जब इंटरसेक्शन करेंगे, तो बेटा सुनिए, जो एलिमेंट ए में है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और जो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो ए में नहीं है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़कर। एक बार हम यहां पर लिख भी देते हैं, ए का मतलब है अनसेडिड पोर्शन, और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको बेटा हम सेड कर देंगे अभी, सेडिड पोर्शन। ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसको हमने सेड कर दिया, ये बेटा जो सेडिड पोर्शन है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इफ बेटा जो एलिमेंट ए में है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट वो ए में नहीं है, तो बेटा ये सेट किसके इक्वल होगा, नल सेट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, ये डायग्राम अपना सभी पार्ट्स के लिए काम आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए सेट की यूनियन करता है ए के कॉम्प्लीमेंट से। यूनियन बेटा ये उल्टा यू का सिंबल था, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन का मतलब चाहे तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग करे, चाहे कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे, चाहे दोनों से करे। अब बेटा वो सारे एलिमेंट्स ले लो जो ए में भी है, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी, तो ए वाले एलिमेंट्स भी ले लिए बेटा, ए के कॉम्प्लीमेंट वाले भी ले लिए, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो और सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो बेटा ये सेट बन गया यूनिवर्सल सेट। दो सेट के बीच में जो यू आता है उसको बोलते हैं यूनियन, वो एक ऑपरेशन होता है, और अकेला एक सेट का नाम जब यू से डाला जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया होगा बेटा, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट में, ये डायग्राम सभी के लिए यूज हो जाएगा कॉमन। थर्ड पार्ट में बोलता है बेटा ए सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करेंगे। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ए में कुछ एक एलिमेंट है, यहां पे कुछ भी हो, नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ए सेट का उस सेट के साथ कॉमन निकालें जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो कॉमन तो एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, तो बेटा रिजल्ट नल सेट ही आएगा। नल सेट को आप केवल कर्ली ब्रेकेट लगाकर भी छोड़ सकते हैं, शायद क्लियर हो गया होगा बेटा, नहीं हो तो पूछना। इसके बाद बेटा यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, नल सेट के साथ। बेटा नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, यूनिवर्सल में चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, जब इनमें कॉमन एलिमेंट पूछेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, नहीं है तो बेटा रिजल्ट नल सेट ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है ए सेट की इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। देखिए बेटा डायग्राम में देखिए, ये तो ए सेट है, अनसेटेड है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। बेटा दोनों में कॉमन देखा जाए तो ए सेट है या नहीं है बताइए, वेन डायग्राम्स। क्लियर हो गया, बस आपने डायरेक्ट बताना ही है। ठीक है, क्योंकि ए का तो हर एलिमेंट यूनिवर्सल में ही है, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा चाहे कितने भी हो, तो आपने तो कॉमन बताने हैं, तो बेटा ए वाले आ जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स पार्ट में बोलता है बेटा ए डिफरेंस ए। बेटा आप ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन जानते हैं, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में बिलोंग ना करें, तो ए डिफरेंस ए का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग ना करें, तो सारे के सारे करेंगे भाई, ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब बेटा ये नल सेट आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ए के वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग ना करें वो लेने हैं हमने, तो ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, इसमें तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा मैं जो आगे बिलोंग ना करता हो, तो इसका मतलब बेटा सारे आगे मिलेंगे, तो नल सेट। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा मैं यही कर देना चाहता हूँ सेवंथ पार्ट। इसमें बेटा जो सेवंथ पार्ट है आपका, सेवंथ पार्ट में बोलता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट। बेटा डिफरेंस की डेफिनेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं,
यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग ना करें। अब ये सेट आपका देखिए यूनिवर्सल सेट है, इसके वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग ना करें, तो ए के अंदर नहीं हो, तो ए के अंदर नहीं होंगे तो कहोगे ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे, तो बेटा रिजल्ट आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग ना करें, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा ही सेट है बेटा, इसके वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो ए में नहीं होंगे तो वो बाहर ही तो है, और बाहर वाले पोर्शन क्या बोलते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। शायद डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं हम इसके एट्थ पार्ट में। बेटा एट्थ पार्ट में क्या बोलता है? नल सेट डिफरेंस ए। बेटा नल सेट के वो एलिमेंट्स बताइए जो ए सेट में ना हो, तो नल में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। अब आपने बस केवल डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए भाई कि ए डिफरेंस बी का मतलब इट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए ओनली एंड डज नॉट बिलोंग टू बी। बस केवल डेफिनेशन बेटा ये मालूम होनी चाहिए आपको, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टे यू का मतलब बेटा इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स। बेटा दो सेट्स के बीच में जब यू का सिंबल होता है उसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब वो एलिमेंट चाहे इस सेट से हो, चाहे दूसरे सेट से हो, चाहे दोनों से हो, ठीक है। और बेटा डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि वो एक्स लो जो ए सेट से तो बिलोंग करें लेकिन वो एक्स बी सेट से बिलोंग ना करें। तो बेटा नल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो नल में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो बेटा रिजल्ट भी नल सेट ही हो जाएगा। शायद बेटा क्लियर हो गया होगा। ये थे बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। इसके बाद चलता हूं बेटा मैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसका बेटा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव करने के क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव, बेटा हमने प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है? ए डिफरेंस बी ए का सबसेट होगा, ऐसा प्रूव करना है। बेटा सबसेट का मतलब क्या होता है कि इस सेट का हर एलिमेंट यह होना चाहिए, बस सीधी सी बात एक है, ये चीज दिखानी है आपने कि इस सेट का हर एलिमेंट यहां पे मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ए बी का सबसेट होता है तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब होता है कि कोई भी एक्स जो ए से बिलोंग करता है देन वो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। बस केवल इसका ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी कन्फर्म होगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी एक्स जो ए सेट में, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हो गया जो ए सेट में है, तो बेटा वो बी में भी कन्फर्म होगा, ऐसा दिखाना है। तो आपने इस सेट को इस सेट का सबसेट दिखाना, तो मैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, इब आपकी क्लास से मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, कोई भी एक स्टूडेंट ले लूँ और उसको स्कूल का स्टूडेंट दिखा देता हूँ, तो आपकी क्लास स्कूल का सबसेट होगी कि नहीं होगी? आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई भी लिया जा सकता है। तो बेटा लेट एनी एक्स बिलोंग करते हैं ए डिफरेंस बी में। अच्छा, अब कोई एलिमेंट ए डिफरेंस बी में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो एलिमेंट ए सेट में तो है बट वो एलिमेंट बी सेट में नहीं है, बी सेट मत हो ए में तो है, तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट ए सेट में तो है। तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया था इस सेट से और इसको ए में दिखा दिया, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट ए में मिलेगा। बस सीधी बात है, यहां से एलिमेंट लेकर के आपने यहां दिखाना है, तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट यहां पे मिलेगा। देखो ऐसा है या नहीं है? तो इसका मतलब बेटा ए डिफरेंस बी सबसेट है ए का, हेंस प्रूव्ड। शायद नहीं समझ में आया हो, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। आपने ए डिफरेंस बी को ए का सबसेट प्रूव करना है। जब भी आपने सबसेट प्रूव करना हो ना, जैसे ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो ए का हर एलिमेंट बी में दिखा दो, अपने आप भी ए बी का सबसेट हो गया। तो बेटा यहाँ से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स और उस एलिमेंट को यहाँ पर दिखा देंगे,
तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ दिखा दी, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट यहाँ पर है, और इसका जब हर एलिमेंट यहाँ पर है तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा कि ठीक है। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लिया, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। बेटा अब ये एक्स ए डिफरेंस बी से है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब समझते हो, इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए से बिलोंग करें बी से बिलोंग ना करें, बी से ना करते हो हमें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ए से तो बिलोंग करेगा। अब जो एक्स हमने यहाँ से लिया था वो एक्स हमने ए में दिखा दिया, तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट ए में होगा, और इसका जब हर एलिमेंट ए में होगा तो इसका मतलब बेटा ये सेट ए का सबसेट है। तो सबसेट के लिए आपको एक चीज़ दिखानी पड़ेगी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेंगे वो यहाँ भी मिलेगा, क्लियर है? और अगर ये चीज़ दे रखी थी इस चीज़ की हेल्प लेंगे हम। थैंक यू बेटा, और आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।